हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये अंजलि अरोरा जिन्होंने इसे वायरल किया। और इन्हें उनके वायरल एमएमएस ने जिसकी सफाई में आज भी कहती फिर रही हैं। कहते हैं ना कि जब किसी की बराबरी ना हो पाए तो उसको बदनाम करना शुरू कर दो, तो बस फिर यही सब कर रहे हैं। लेकिन इस दलदल में अंजलि इकलौती नहीं है। सोफिया अंसारी के पास जब सिर्फ 4.5 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स थे तब उनका भी एमएमएस वायरल हुआ था, जिसे आज भी कई लोग उनकी ट्रेंड में आने की चाल बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद बस एक साल में उन्होंने अपने फॉलोअर्स की गिनती डबल कर ली, जो पहली बार करने में उन्हें 5 साल लगे थे। इस फैक्ट ने आपका भी दिमाग घुमा डाला ना। लेकिन एक तरफ लोगों के लगाए इल्जाम है तो दूसरी तरफ सैसी पूनम और उनके नॉटी एंड वाइल्ड मूड्स लाइव की सच्चाई, जिसके लिए वो 45 मिनट्स के 1200 चार्ज करती हैं। और अगर आप इनके वायरल एमएमएस वाले अवतार को देखना चाहते हो तो उसके लिए उनके पास ईयरली मेंबरशिप भी है। आई नो ये सुनकर आप हैरान परेशान जरूर हुए होंगे, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 1, अंजलि अरोरा। तो शुरुआत करते हैं टिकटॉक के दूर के चिचा बने बैठे इंस्टाग्राम रील से, जिसने अंजलि अरोरा के अनजान चेहरे को दुनिया से वाकिफ करवाया। फिर वो चेहरा लोगों को एक एमएमएस में नजर आया। और होना क्या था, अंजलि के काजा बादाम से लेकर उनके रियलिटी शो लॉकअप तक की जर्नी को लोगों ने रफा दफा किया और सस्ते इंटरनेट से एमएमएस को वायरल, वो भी इतना कि हर जगह यही नजर आ रहा था। और जब खुद अंजलि का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा, यार भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया है, मैं हूँ ही नहीं वो, और आंसुओं की लड़ी लगा दी। जिसे देखकर जो पिघले उन्होंने अंजलि का सपोर्ट किया, और जो नहीं पिघले वो आज भी वीडियो को अंजलि का मानते हैं। वायरल वीडियो के बाद अंजलि के करियर का क्या रायता फैला, इस पर बात करें तो इन्होंने 2020 में टेम्पररी प्यार और इश्क लगन जैसे म्यूजिक वीडियोस बनाए थे, और 2022 में उनका सिर्फ एक ही म्यूजिक वीडियो आया। आजकल तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग और वैसे ही दूसरे वीडियोस डालती रहती हैं। पर अंजलि इतने से खुश नहीं, लॉकअप के बाद हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अब फिल्मों में एक्टिंग और ओटीटी सीरीज करना चाहती हैं, पर एमएमएस लीक ने उनके सपने पर फिलहाल तो फुल स्टॉप लगा डाला है। नंबर 2, निशा गुरगैन। पता है ये क्या है, ये है निशा के सच का कच्चा चिट्ठा। 8 जून 2020 को एक वीडियो गलती से निशा ने अपने स्नैपचैट की स्टोरी पर डाल दिया। 2 घंटे तक उन्हें उसका ध्यान नहीं आया, पर 2 घंटे के बाद उनकी किसी फ्रेंड का कॉल आया और तब उन्हें पता चला कि जो वीडियो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रमजान कुट्टी के साथ सीक्रेट रखने के लिए रिकॉर्ड किया था वो पूरी दुनिया ने उनकी स्टोरी पे देख लिया। इसके बाद क्या, निशा ने अपने आप को दुनिया के तानों से बचाने के लिए जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी वीडियो वायरल हो रही थी उसी का सहारा लिया और दुनिया को बताया वीडियो उनकी है ही नहीं। लेकिन जब लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और वीडियो हर दिन वायरल होने का रिकॉर्ड तोड़ता रहा, तो निशा ने पुलिस में ये लेटर लिखा, जहां उन्होंने खुद ही पुलिस के आगे सारा सच कबूल किया और वीडियो को अपने और अपने बॉयफ्रेंड के कंसेंट से लेने की बात कही। इनकी इस कॉन्ट्रोवर्सी को लोग आज भी नहीं भूले हैं। और ये कॉन्ट्रोवर्शियल सोशल मीडिया स्टार आजकल कभी खुद के व्लॉग में तो कभी लोगों के व्लॉग्स में, और टिकटॉक बंद होने के चलते कभी किसी म्यूजिक वीडियो में नजर आ जाती हैं। नंबर 3, ब्यूटी खान। गवर्नमेंट ने चाइना में डेटा जाने से बचाने के लिए नहीं, ऐसे स्कूल कॉलेज की उम्र में वीडियो के नाम पर जहर बनाने के चलते टिकटॉक को बैन किया है। पर फैक्ट भाई आपको सिर्फ ब्यूटी खान का बचपन दिखाने नहीं आया, असल में निशा गुरगैरियन और बाकी टिकटॉकर्स कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह ब्यूटी का भी एक एमएमएस वीडियो पहले लीक हुआ और फिर वायरल हुआ था। कोलकाता की ये छोटी सी लड़की कुछ बोलती इससे पहले ब्यूटी खान के होठों के ऊपर का तिल वीडियो में नजर आ रही लड़की के तिल से मैच करके लोगों ने एक कहानी से दूसरी और दूसरी से तीसरी गढ़ दी। पर ना सिर्फ खुद ब्यूटी पर कुछ समझदार लोगों ने भी वीडियो को देखकर ये कंफर्म किया कि वीडियो में कोई दूसरी लड़की है। टिकटॉक के बैन होने से पहले ब्यूटी टिकटॉक पर ग्रो होने वाली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिकटॉकर थी, जिन्होंने जून 2020 तक 21.3 मिलियन फॉलोअर्स की आर्मी खड़ी कर ली थी। हालांकि यूट्यूब, जिसे इन्होंने जून 19, 2020 यानी कि टिकटॉक बैन होने से बस 10 दिन पहले ज्वाइन किया था, वहां ये अपने 872 सब्सक्राइबर्स को डांस कवर और ब्लॉगिंग वीडियोस से अपडेटेड रखती थी। ब्यूटी की तरह पहले टिकटॉक और 2018 से यूट्यूब पर आने वाली सलोनियापा का भी कुछ महीने पहले ये फोटो सोशल मीडिया पर ये बोलकर वायरल हो गया कि ये उनके लीक एमएमएस की फोटो है, और सभी लोग वीडियो की लिंक इमेज मांगने लगे। पर अब तक सलोनियापा की ऐसी कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है।
शिल्पी राज। ये वीडियो देख रहे हो, ये भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज का वायरल वीडियो, जिसके वायरल होने से पहले शिल्पी ने बहुत से ब्लॉकबस्टर हिट्स तो दिए थे। खेसरी लाल यादव और पवन सिंह जैसे कलाकारों के साथ काम तो किया था, लेकिन फिर भी लोग उन्हें ज्यादा नहीं पहचानते थे। पर उनका MMS वायरल होते ही शिल्पी के वायरल वीडियोस को देखने के लिए ही नहीं, लोग शिल्पी की लाइफ के बारे में जानने के लिए भी इंटरेस्टेड हो गए। ऐसे में उनके वायरल वीडियो को लेकर तो जो लोगों ने कहा सो कहा, लेकिन कुछ लोगों ने उनके वायरल वीडियो और उसके बाद उन्हें मिली पहचान को एक सोची समझी साजिश बता दिया। उनके मुताबिक अपना MMS वीडियो खुद शिल्पी ने लीक किया था और इसके जवाब में शिल्पी ने सोशल मीडिया पर आकर अपने वीडियो को वायरल ना करने और वीडियो में किसी और के होने की बात कही। पर वो कहते हैं ना, सोते हुए को उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करे उसे उठाना मुमकिन नहीं। ऐसा ही कुछ हाल दुनिया का है। उन्होंने शिल्पी की एक नहीं सुनी, जबकि खुद को शिल्पी राज का एक सस्पेंड बताने वाले विवेक पटेल का भी यही कहना था कि क्या होता है कि कभी कभी होता है किसी का चेहरा हल्का फुल्का मिल जाता है। नंबर 5, सोफिया अंसारी। 9 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ इंडिया की टॉप वाली इन्फ्लुएंसर सोफिया अंसारी को कौन नहीं जानता, पर शायद आप लोगों में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि सोफिया ने इस सफर की शुरुआत दिसंबर 2017 में टिकटॉक से की थी। तब उनके व्यूज काफी कम थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और जल्द ही फैंस ने उनके वीडियोस पर हार्ट्स की बारिश कर दी। पर उसकी खुशी मनाने से पहले टिकटॉक बैन हो गया और वो इंस्टा रील्स बनाने लगी। आज से एक साल पहले उनके इंस्टा फॉलोअर्स बस 4.5 मिलियन थे और वो ऐसे और ऐसे वीडियोस डालकर अपने फॉलोअर्स की गिनती बढ़ा रही थी। पर पिछले साल 2021 के सितंबर में ये वीडियो वायरल हुआ और आग की तरह फैलने लगा, जिसके जवाब में सोफिया ने अपने इंस्टाग्राम पर ये सारी स्टोरी डाली। यानी उन्होंने वायरल MMS उनका नहीं है ये बात साफ कर दी। पर इसके बावजूद उन पर आज भी ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने खुद ये वीडियो वायरल किया था, क्योंकि MMS वायरल होने से बदनामी तो हुई, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हें ही हुआ। जैसा मैंने बताया, पहले जितने फॉलोअर्स बनाने में उन्हें 5 साल लगे थे, वो MMS लीक के बाद 1 साल में डबल हो गए। पर सोफिया ने इन सारे इल्जामों को कभी सच नहीं बताया। उनका जवाब हमेशा एक ही था, वो वीडियो उनकी नहीं थी। इस बारे में आपको क्या लगता है? नंबर 6, दीपक कलार। ये देखकर आपके दिल ने भी कहा होगा, दीपक कलाल को नहीं, सही है फैक्ट, भाई का भी कुछ ऐसा ही सोचना है। मतलब आप सोचो, 50 साल की उम्र में एक आम आदमी जहां बच्चों की शादी करवा रहा होता है, नाती पोतों को गोद में खिलाने के सपने देख रहा होता है, वहां ये कन्याओं के साथ ये कैसी रासलीला कर रहा है। लेकिन अब आप और मैं इस मानव रूपी प्राणी की इन हरकतों को देखने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? बात तो सही है। क्योंकि जो इंसान अपनी अश्लील वीडियो को खुद ही लीक कर दे और उसके वायरल होने की खुशियां मनाए, उसमें अब कैसी शर्म बाकी होगी, राइट? पर ये अकेला नहीं जिसने शर्मो हया के पर्दे हटाए नहीं, उखाड़ के फेंक दिए हैं। इसके साथ सोनिया अरोरा नाम की इन दीदी का हाल भी कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। मतलब अगर एक डांसर, सिंगर एंड फैशन मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही लोगों को ये पाठ पढ़ाएंगे तो दुनिया का क्या होगा। इसीलिए ये हरकतें देखने के बाद तो फैक्ट भाई यही कहेगा कि ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सर ने मुझे कहा है मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा, और ये नंबर 7, सैसी पूनम। आई नो आप कब से इन दीदी का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए इनके लीक MMS वायरल की चर्चा भी हो जाए। तो पहले तो ये मोहतरमा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब मॉडल, मीडिया फेस एंड एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन शायद ये सब उनके काले धंधे को छुपाने का मुखौटा है, क्योंकि असल में तो इनका बिजनेस शायद कुछ और ही है। जैसा मैंने बताया कि इनको बायो से मिले एक लिंक पर लोगों ने पाया कि उनके नॉटी एंड वाइल्ड मूड्स लाइव को बुक करने के लिए वो करीबन 1200 चार्ज करती हैं। इनकी 2 एक्स्ट्रा हॉट पिक्स के 1200, 10 सुपर हॉट पिक्स 5999 और फुल बॉडी एंड वीडियो सीधा 1,25,000। और ये भी कुछ नहीं, इनके फोटोज और वीडियोस के लिए मेंबरशिप भी देती हैं 9,000 रूपए 1 महीने के लिए, 24,303 महीने के लिए और 43,200 रूपए 6 महीने के लिए, और साल भर की मेंबरशिप 30% सेविंग के साथ सिर्फ और सिर्फ 75,600 रूपए में। मतलब अगर 2020 से जब इंस्टाग्राम से जुड़ी थी तब से अगर इनकी कमाई का हिसाब लगाया जाए तो ये तो अच्छे अच्छे करोड़पति को भी फेल कर देंगी। और अब इस सब में कितनी सच्चाई है इसकी माप तोल तो होती रहेगी, पर आप ये सोचो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ों से लेकर छोटे बच्चे तक मौजूद हैं, जिनके सामने इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा। Don't let your kids watch it.
इसीलिए फैक्ट भाई तो यही सलाह देगा कि अगर आप खुद सोशल मीडिया यूज करते हो तो इन सारी चीजों से बचो। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर करता है तो उसे सावधान करो, और अगर कोई बच्चा ऐसे वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसे ऑब्जर्व करो और रोको। ऐसे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करने से पहले 50 बार सोचना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है कि इस लिस्ट के कई वीडियोस 2022 में ही वायरल हुए, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है ये सब कोइंसिडेंस है या फिर ट्रेंड। क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया स्टार्स को अपनी पॉपुलैरिटी आसानी से बढ़ाने की सीढ़ी लगती है तो हमें एज ऑडियंस इस ट्रेंड को बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है और हम कौन से स्टेप्स लेकर इस ट्रेंड को खत्म कर सकते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।